बोवे बबूल पेड़ के तो आम कहाँ से पाए। हाँ, बोवे बबूल पेड़ के तो आम कहाँ से पाए, ये बात सभे जानत बटे। तो नमस्कार, हम वाणीजीत कुमार। आज हमने के बात कर लिए एक बार फिर से पवन सिंह के बारे में। देखिए, पवन सिंह अभी गोइ रहल हन, हाँ, मतलब पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिले, गोइ रहल हन भैया जेपी नड्डा जी से मिले। तो काम बाटे रिएक्शन सब कुछ जानल जे वीडियो में, तो वीडियो को शेयर करी, सच्चाई लोगों तक पहुँचे के चाही भैया, पहुँचे के चाही। तो अब कहाँ से रह जन पवन सिंह और उनको कहाँ कहाँ दावा बाटे सब कुछ वीडियो में हम बतावे वाला बान। बता दी कि भैया पवन सिंह के आसनसोल से टिकट मिल रहा है, लेकिन बंगाल के आसनसोल से टिकट मिलला के बाद बस इनकर बंगलिनिया वाला जितना भी कार्यक्रम रहा है एकदम सुपर हिट होके लागल। हाँ, एकदम सुपर हिट होके लागल। ओकरा बाद से इनकरा ओ जगह से टिकट वापस करके घर आ गए और कहे के पड़ल हे ट्विटर पर लिख के कि हम कोनो कारण बस चुनाव नहीं खेल रहा चाहते। हाँ, नहीं खेल रहा चाहते, लेकिन कारण बस ना होला भैया, ना कारण बस ना होला। जौन तार रहन रही ना, वो रहनिया कहाय। हाँ, चाहे हमार रोक हो चाहे केहू को हो, रहनिया कहाय, रहनिया छिपे लेना और इतिहास जौन अपन बनल रहला ओकरा के लोग गावे ला, मरला के बाद भी और जियत रहब तब तक भी। तो फाइनली रहनिया दिख गोल बटे कि रहनिया में कितना इन लोग के जान बटे। हाँ, ये लोग रहनिया दिख गोल बटे कि रहनिया में कितना जान बटे और ये रहनी सब कुछ करावे ला। गाँव देहात के लोग कहलन कि मुँहवे से पान खाए के मिलेला और मुँहवे से जूता खाए के मिलेला, तो ये कोनो गलत बात नहीं कहलन जा, ना एकदम सच्चाई कहले बन जा। तो वही मुँहवा से गाना गा के इनकर पब्लिसिटी भी भइल बा, लेकिन वही मुँहवा के चलते ए बेरा बंगाल में मुँह देखावे के लायक ना रहल हन और चुनाव मतलब टिकट मिलला के बाद भी कहे के पड़ता कि हम ना लड़ब। जबकि इहो पता बटे कि बा वही में शायद हम जीत भी सकतनी, लेकिन फिर भी मन में एगो डर बटे कि हमारा चलते पार्टी के छवि खराब भी हो सकेला। ए लिए पार्टी के तरफ से इनका कान में कहल से कि सुन हे गने कर, हाँ कह दे कि हम अपना मन से नहीं खेल रहा चाहतनी, तोरो इज्जत बच रही हमारो इज्जत बच रही। तो फाइनली भैया इज्जत इज्जत के बात में ना सब कुछ इज्जत चला तटे। जबकि एक पवन सिंह खूब खुशी जाहिर कैल हन, हाँ खूब खुशी जाहिर कल हन, जिम में एकदम से मस्त बाइसेप बनावत रहन और फटाक से ना भैया जाके गोड़ो लगवन, एकदम से ओमे कोनो देवता के मूर्ति रहो को जाके गोड़ो लगवन और पूरा इनकर मतलब जे भी इनका संग आई रहोगे, जे भी इनका भैया भैया कह ला लो, इनका संगे संगे रह ला लो, सबके एक दूसरा के मिठाई भी बांट के और इजहार भी करो जाके टिकट मिल गए। लेकिन फिर अचानक से ये बात कह दिल, तो ये बात पचत नहीं खे, ये बात ये बटे कि कहीं ना कहीं तू गलती कैले बड़ और वो गलती के सजा आज भुगते के पड़त बटे। हाँ, पड़त बर एकदम से पड़त बटे। तो फाइनली अगर बात कर जाए तो पवन सिंह गोइ रहल हन जेपी नड्डा से मिले, अभी कुछ भी दावा नहीं है कैल गई कि उनका फिर से दोबारा टिकट दिहल जात बा कि नहीं, लेकिन ये कन्फर्म बटे बता दी कि कहीं ना कहीं से पवन सिंह के मिल, वो चाहे बिहार से ही काहे ना मिल जा, उत्तर प्रदेश से ही काहे ना मिल जा और कौन ठीक बटे आसनसोल से भी फिर दे दिहल जा। पूछा काहे कि बीजेपी जोन पार्टी है, मतलब तू फलानवा कतनों भ्रष्ट रह न तो कही कुछ सही बटे। हाँ, मतलब जाके साधे जैसे कि बहुत लोगों के देख ली, चाहे साध्वी प्रज्ञा के देख ली, तमाम लोग बाड़न भाई ब्रजभूषण सिंह के देख ली, तमाम लोग ऐसा ऐसा बाड़न बड़का बड़का लोग न कि उन लोग लेके एकदम दूर दूर तक लड़े। तो मान ली पवन सिंह अब कहाँ से लड़े आ रहा और बलिया से दावा करे के उनका सोच बटे, तब कहाँ से लड़े और कहीं ना जीती हन, ये तो वक्त और समय बताई। अभी के बस इतना ही अपडेट बटे, जाओ रही निश्चित बहुत बुरी बाकी राम जी।